आज लोकनायक जयप्रकाश जी की जन्म जयंती का अवसर है और आज ही के दिन लोकनायक जयप्रकाश के निकटस्थ साथी श्रीमान नानाजी देशमुख की जन्म जयंती शताब्दी का भी अवसर है। इन दोनों महापुरुषों ने अपने जीवन काल में एक ऐसे संकल्प का परिचय कराया और जिस संकल्प के लिए उन्होंने स्वयं को झोंक दिया और सिद्धि प्राप्त करने तक वे जीवन का पल पल मातृभूमि के लिए, देशवासियों के कल्याण के लिए अपने संकल्प को साकार करने के लिए वे जीवन भर जुटे रहे। लोकनायक जयप्रकाश जी आजादी के आंदोलन में युवाओं की प्रेरणा रहे थे। 1942 हिंद छोड़ो यह आंदोलन अपनी तीव्रता पर पहुंचा। महात्मा गांधी, सरदार पटेल समेत सभी राष्ट्रपुरुष अंग्रेज सल्तनत ने जेलों में बंद कर दिया और ऐसे समय जयप्रकाश जी, लोहिया जी ऐसे युवकों ने आगे आकर के उस आंदोलन की बागडोर संभाली थी और उस कालखंड की युवा पीढ़ी के मन में वो प्रेरणा का स्रोत बन गए थे। आजादी के उस कालखंड में जयप्रकाश जी लोकनायक के रूप में युवा हृदयों के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बन गए थे, लेकिन देश आजाद होने के बाद बहुत बड़े बड़े लोग सत्ता के गलियारों में अपनी जगह ढूंढते नजर आते थे। ये जयप्रकाश नारायण थे जिन्होंने सत्ता की राजनीति से अपने को दूर रखा और आजादी के बाद जयप्रकाश जी और उनकी श्रीमती प्रभा देवी जी ने ग्रामोत्थान के मार्ग को चुना, लोक कल्याण के मार्ग को चुना। नानाजी देशमुख, देश उनको ज्यादा जानता नहीं था, देश के लिए उन्होंने अपना जीवन दे दिया था, लेकिन जब जयप्रकाश जी भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, आपातकाल के पूर्व फिर एक बार जयप्रकाश जी देश में पनप रहे भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार, उच्च पदों पर पले बड़े भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ दुखी होकर के विद्यार्थी आंदोलन के साथ जुड़ गए थे। गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन से प्रेरणा लेकर के
जय प्रकाश जी फिर एक बार मैदान में आ गए और जय प्रकाश जी के आने के बाद दिल्ली की सल्तनत में खलबली मची गई। जय प्रकाश जी को रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है उसके लिए षड्यंत्र होते थे और पटना में एक बार ऐसी स्थिति आई कि जय प्रकाश जी के ऊपर एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जब मार्च निकल रही थी जय प्रकाश जी पर बहुत बड़ा हमला हुआ और उस समय उनके बगल में नानाजी देशमुख खड़े थे। नानाजी ने अपने हाथों पर वो मृत्युगंड के रूप में आए हुए प्रहार को झेल लिया, उनके हाथ की हड्डियां टूट गई लेकिन जयप्रकाश जी को चोट से उन्होंने बचा लिया और वो एक ऐसी घटना थी कि देश का ध्यान नानाजी देशमुख की तरफ गया। नानाजी देशमुख जीवन भर देश के लिए जिए, उन्होंने ऐसे कपल तैयार किए, दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से देश के लिए जीना सीखो, देश के लिए कुछ करके रहो इस मंत्र के साथ युवा दंपतियों को उन्होंने निमंत्रित किया। सैकड़ों की तादाद में ऐसे युवा दंपति आए आगे और उनको उन्होंने ग्राम विकास के काम में लगाया। जब मुरारजी भाई प्रधानमंत्री थे देश में जनता पार्टी का शासन था, नानाजी देशमुख को मंत्री परिषद के लिए आमंत्रित किया गया। जय प्रकाश जी के कदमों पर ही नानाजी ने भी मंत्री परिषद में जुड़ने से विनम्रतापूर्वक इनकार किया और स्वयं को राजनीतिक जीवन से निवृत्त करके 60 साल की उम्र के बाद वे जब तक जीवित रहे करीब 3.5 दशक तक उन्होंने अपना जीवन चित्रकूट को केंद्र बिंदु बना करके, गोंडा को केंद्र बिंदु बना करके ग्रामीण विकास के लिए खपा दिया। आज मुझे खुशी है कि नानाजी की जन्मशती के इस अवसर पर भारत सरकार इन महापुरुषों के सपनों के आधार पर और महात्मा गांधी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पर ग्रामीण विकास की दिशा में हम कैसे आगे बढ़े, हमारे गांव आत्मनिर्भर कैसे बने, हमारे गांव गरीबी से मुक्त कैसे बने, हमारे गांव बीमारी से मुक्त कैसे बने, हमारे गांव जिसमें आज भी जातिवाद का जहर गांव को बिखेर देता है, गांव के सपनों को चूर चूर कर देता है, उस जातिवादी भावनाओं से ऊपर उठ के गांव एक समरस गांव बने, सबको जोड़ने वाला गांव बने और सब मिलकर के गांव के कल्याण के लिए संकल्प करें, उस प्रकार के गांव के विकास को जन भागीदारी से आगे बढ़ाने की दिशा में भारत सरकार अनेकविध कदम उठा रही है। आज मुझे यहां पर देश के ग्रामीण जीवन के लिए सोचने वाले, ग्रामीण जीवन के लिए योगदान देने वाले, ग्रामीण अर्थकारण का, ग्रामीण कृषि जीवन का, ऐसे भिन्न भिन्न विषयों पर जिनकी महारत है, ऐसे देश के 300 से ज्यादा लोग कल पूरा दिन बैठे, अलग अलग जूथों में बैठे,
आधुनिक संदर्भ में गांवों का विकास कैसे हो उसका विचार विमर्श किया और पूरा दिन भर इन अनुभवी लोगों ने जो मंथन किया है उससे जो अमृत निकला है आज अभी एक वीडियो के माध्यम से उसे कुछ प्रस्तुत करने का भी प्रयास हुआ। लेकिन मैं इन सब महानुभावों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो विचार विमर्श किया है मंथन किया है और जो बिंदु छांट करके आपने निकाले हैं भारत सरकार उसको गौर करेगी गंभीरता से लेगी और उसमें से जितने करणीय मुद्दे हैं एक्शनेबल पॉइंट्स हैं उसको भारत सरकार की योजनाओं में समाहित करते हुए कई वर्षों के बाद इतने बड़े फोरम में भारत के ग्रामीण जीवन के विषय में चिंतन और चर्चा हुई है। देश के हर कोने से लोग आए हैं, अलग अलग इलाके की प्रकृति अलग है, वहां की समस्याएं अलग है, वहां के संसाधन अलग है, वहां की आवश्यकताएं अलग है, रुचि प्रकृति प्रवृत्ति के अनुसार गांव का विकास जड़ों से जुड़ा हुआ होगा तो वो सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए गारंटी होता है। बाहर से थोपी हुई चीजें ग्रामीण जीवन के अंदर ज्यादा समय तो एक फॉरेन एलिमेंट के रूप में संघर्ष में बीत जाती है और कभी कभी ग्रामीण जीवन बाहर से थोपी हुई चीजों को स्वीकार करने के लिए साहस नहीं जुटा पाता है। और इसलिए हमारा प्रयास यह है कि गांव की अपनी जो शक्ति है गांव का अपना जो सामर्थ्य है सबसे पहले उसी को जोड़ते हुए विकास का मॉडल बनाएंगे जो गांव के लोगों को अनुकूल होता है परिचित होता है उसमें थोड़े मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है। इसके लिए वैज्ञानिक तरीके से आर्थिक दृष्टि से टेक्नोलॉजी की दृष्टि से एक सपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है और अगर उसको हम बल दे करके चलते हैं तो गांव आसानी से उसे जुड़ जाता है, गांव उस विकास यात्रा को अपने कंधे पर उठा लेता है और सस्टेनेबल विकास की वो एक गारंटी बन जाता है। आपने जो चिंतन मनन किया है उस धरती के अनुभव के आधार पर किया है और उस अनुभव के आधार पर की हुई चीजें मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में ग्रामीण विकास को जिस तेजी से हम लेना चाहते हैं एक बात हमें समझनी होगी। हम विकास करना चाहें इतने से बात पूरी नहीं होती, हम अच्छा करना चाहें इतने से बात पूरी नहीं होती। अगर हम चीजों को समय सीमा में करें, हम हमारी योजनाओं को जो लाभार्थी हैं टारगेटेड ग्रुप है उनके लिए 100% लागू करें, योजना जिस मिजाज से शुरू की गई जिस पृष्ठभूमि में शुरू की गई उसमें डाइल्यूजन ना आए डाइवर्जन ना आए और उसको लागू करने का समय सीमा में प्रयास करें और वो भी आउटपुट आधारित नहीं आउटकम आधारित हो। सिर्फ हमने इतना बजट खर्च दिया वो नहीं, इस बजट का ये हमारा लक्ष्य था ये हमने परिपूर्ण किया। अगर इस प्रकार से हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रयास करेंगे और समय सीमा में करेंगे तो मुझे विश्वास है कि 70 साल में ग्रामीण विकास की जो गति रही है 2022 आजादी के 75 साल मनाएंगे तब हमारी विकास की गति इतनी तेज होगी कि जो 70 साल से सपने संजो करके बैठा हुआ मेरा ग्रामीण व्यक्ति है उसकी जिंदगी को भी बदलाव ला सकता है। आज
गांव का नागरिक भी शहर की बराबरी की जिंदगी जीना चाहता है। जो सुविधा शहर को उपलब्ध है वो सुविधा गांव को भी उपलब्ध होनी चाहिए। अगर शहर में बिजली जगमगाती है तो गांव में भी बिजली जगमगानी चाहिए। अगर शहर के लोग मन चाहे तब टीवी देख सकते हैं, गांव के लोग भी देख सकें। अगर शहर का बच्चा स्कूल की लेबोरेटरी में जाकर के प्रयोग कर सकता है तो गांव का बच्चा भी स्कूल की लेबोरेटरी में प्रयोग करने के लिए उसको अवसर होना चाहिए। अगर शहर का बच्चा आधुनिक कंप्यूटर के द्वारा टेक्नोलॉजी की शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो यह भी आवश्यक है कि गांव के बच्चे को भी उसी टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रशिक्षित होने का अवसर मिलना चाहिए, उसको भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। अगर इंटरनेट, आज कभी कभी गांव में टीचर रहने को तैयार नहीं, डॉक्टर रात को चला जाना चाहता है, लेकिन जो सुविधाएं शहर में है वैसी अगर हम सुविधाएं, अगर नल से पानी आता है, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, 24 घंटे बिजली है, चूल्हा जलाने के लिए गैस उपलब्ध है, अगर इन प्राथमिक सुविधाओं को भी अगर हम पहुंचाने में सफल होते हैं तो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ में जो बदलाव आएगा वो गांव में भी लोगों को रहने के लिए प्रेरित करेगा। अगर टीचर गांव में रहता है, डॉक्टर गांव में रहता है, सरकारी बाबू गांव में रहता है तो गांव के जीवन में उसकी हाजिरी भी बदलाव का एक बहुत बड़ा कारण बनती है। और इसलिए महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था, दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो चिंतन किया था, नानाजी और जयप्रकाश जी लोगों ने जिन विचारों को लेकर के जिया था, इन्हीं आदर्श धारा को लेते हुए हम लोगों का भी ये प्रयास है कि हम ग्रामीण जीवन में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़े। हमारे देश में संसाधनों के कारण आखिरी छोर के इंसान को हम कुछ नहीं दे पाते हैं। आज भारत सरकार में आने के बाद मैं इस बात से अब सहमत नहीं हूं। हिंदुस्तान के आखिरी छोर के व्यक्ति को भी अगर उसके हक का जो है उसको पहुंचाना है तो देश के पास संसाधनों की कमी नहीं है। जो कमी महसूस होती है वो गुड गवर्नेंस की है, सुशासन की है। जिन जिन राज्यों में गुड गवर्नेंस है, सरकारी मशीनरी निर्धारित समय में टारगेटेड काम को पूरा करने की आदि है तो वहां पर बदलाव नजर आता है। आप देखिए मनरेगा, अब मनरेगा की एक विशेषता है वो बना है गांव के गरीब लोगों को रोजगारी देने के लिए, लेकिन अनुभव ये आता है कि जिस राज्यों में ज्यादा से ज्यादा गरीबी है वहां पर मनरेगा का काम कम हो रहा है, लेकिन जिन राज्यों में कम गरीबी है लेकिन गुड गवर्नेंस है वहां राज्य प्रोएक्टिव है, ज्यादा से ज्यादा योजना बना देते हैं, ज्यादा लोगों को जोड़ देते हैं और ज्यादा काम कर लेते हैं। और इसलिए ग्रामीण विकास के लिए गुड गवर्नेंस पर बल, ये हमारे सरकार का निरंतर प्रयास है। आज जो दिशा नाम का जो डिजिटल डैशबोर्ड आपके सामने प्रस्तुत किया गया,
वो एक प्रकार से गुड गवर्नेंस की दिशा का एक अहम कदम है, जिसके कारण सेंट्रली हर चीज को मॉनिटर किया जा सके, समय सीमा में रिव्यू किया जाए, अगर उसमें कमियां हैं तो उसको करेक्ट करने के लिए मेजर लिए जाए, अगर पॉलिसी प्रॉब्लम है तो पॉलिसी करेक्ट किया जाए, अगर पर्सन प्रॉब्लम है तो पर्सन को करेक्ट किया जाए, लेकिन दिशा इस प्रकार का डैशबोर्ड के कारण एक तो इसके मॉनिटरिंग की पूरी व्यवस्था आप हिंदुस्तान के सभी गांवों के साथ जुड़ेगी, दूसरा भारत सरकार का जो विजन है, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं और हमारा जो पार्लियामेंट का मेंबर है और डिस्ट्रिक्ट की इकाई है, ये सभी अगर विकास को एक सूत्र में करेंगे, प्रायोरिटी समान होगी, तो हमें इच्छित परिणाम जरूर मिलेगा। और इसलिए इस दिशा के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को सक्रिय रूप से जोड़ने का एक अहम काम भारत सरकार ने किया है इस दिशा के द्वारा। पार्लियामेंट का मेंबर जिला इकाई के साथ बैठ करके इन सारी योजनाओं का रिव्यू करता है, प्रायोरिटी वहां की आवश्यकता के अनुसार तय करता है, चीजें यहां से थोपी नहीं जाती है, और इसी के कारण कार्य में गति लाने की दिशा में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। लोकतंत्र की सफलता सिर्फ कितने लोग मतपेटी में मत डालने जाते हैं, वोट डालने जाते हैं, दुर्भाग्य से कई वर्षों तक हमने लोकतंत्र को यहां सीमित कर दिया कि 5 साल में एक बार जाना, डिब्बे में पर्चा डाल देना या बटन दबा देना, और फिर सरकार जो भी चुन करके आए, जो भी बॉडी चुन करके आए, पंचायत जो चुन करके आए, वो हमारा 5 साल में भाग्य तय करेगी। मैं समझता हूं लोकतंत्र को इतना सीमित नहीं सोचा जा सकता। लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण काम जरूर है कि जो अपनी पसंद की सरकार चुने, लेकिन लोकतंत्र की सफलता तब होती है जब जन भागीदारी से देश चले, जन भागीदारी से गांव की विकास यात्रा चले, जन भागीदार से नगर की विकास यात्रा चले, और इसलिए जनता के साथ सरकार का संवाद अनिवार्य होता है, जीवंत संवाद होना चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ करेक्ट गाइडलाइंस जानी चाहिए और नीचे से ऊपर की तरफ करेक्ट इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। अगर ये टू वे चैनल परफेक्ट होती है तो योजनाएं, नीतियां और बजट एलोकेशन सही टारगेटेड जगह पे सारी चीजें हो सकती है। और इसीलिए आज एक मोबाइल ऐप के द्वारा, ग्रामीण संवाद के द्वारा, गांव का व्यक्ति अपने मोबाइल फोन के माध्यम से सही जानकारी ऊपर तक पहुंचा सकता है और ऊपर से सही मार्गदर्शन लास्ट मैन तक सीधा पहुंच सकता है, और उसके कारण वहां स्थानीय इकाई जो सरकारी रहती है उन पर भी दबाव पैदा होता है, क्योंकि गांव का व्यक्ति कहता है कि बाबू आप कहते हैं ये योजना, लेकिन मेरा मोबाइल फोन तो कहता है कि ये योजना है, आप बताइए हमारे यहां क्यों लागू नहीं हुई। ये जनता को जागरूक करने का एक बहुत बड़ा काम इस मोबाइल ऐप के द्वारा टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, जनता के साथ संवाद बढ़ाते हुए, उसकी आवश्यकताओं को समझते हुए काम को दिशा देना, गति देना, उसकी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। आज आर सेती का भी देश भर में कई जगह पर उद्घाटन हुआ है, उसी प्रकार से एग्रीकल्चर विभाग का यहीं पर एक फेनोमिक्स का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्लांट का आज उद्घाटन हुआ है। हमारे देश में कृषि क्षेत्र
और पशुपालन, ये ग्रामीण जीवन की अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु में है। लेकिन साथ साथ हमारे ग्रामीण जीवन में जो आर्टिजन्स हैं उनका भी ग्रामीण अर्थकारण में बहुत बड़ा योगदान है, और इसलिए चाहे पशुपालन हो, चाहे खेती हो, चाहे हथकरघे का काम हो, हस्तकला से जुड़े हमारे लोग हो, उनको जोड़ करके हमने हमारी अर्थव्यवस्था के पिलर्स को मजबूत करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। 2022 भारत की आजादी के 75 साल, देश के किसानों की आय डबल करने की दिशा में एक संकल्प लेकर के हम काम कर रहे हैं। एक तरफ किसान की जो इनपुट कॉस्ट है, उसकी जो लागत है, उसको कम करना है, और दूसरी तरफ उसका उत्पादन जो है उसको बढ़ाना है। अगर ये इन दोनों की चीजों को हम चलेंगे तो हमें टेक्नोलॉजी की मदद लेनी होगी, हमें आधुनिकता की तरफ जाना होगा। पशुपालन, पशु की संख्या भले कम हो लेकिन दूध का उत्पादन ज्यादा हो, प्रति पशु दूध का उत्पादन बढ़े, उस दिशा में हम जितना तेजी से आगे बढ़ेंगे वो ग्रामीण अर्थ जीवन को आगे बढ़ाएगा। हम आज दुनिया में केमिकल वेस्ट की जमा बदले में शहद वाला वेस्ट जो है, मोम है, उसकी दुनिया में बहुत बड़ी मांग बढ़ रही है। लोग केमिकल वेस्ट से मुक्ति पाकर के हनी बी का जो वैक्स होता है उसकी ओर जा रहे हैं। अगर हम गांवों में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दें, साइंटिफिक तरीके से हनी बी पालन करना हमारे किसान के या पशुपालक के साथ जुड़ जाए, अतिरिक्त इनकम की संभावनाएं बढ़ेगी। और आज जो बहुत बड़ा मार्केट बी वैक्स का है, हनी बी के वैक्स का है, केमिकल वैक्स से लोग मुक्ति चाहते हैं, भारत इसमें बहुत बड़ा मार्केट को दुनिया में कैप्चर करने की ताकत रखता है, और उस दिशा में हम आगे जाना चाहते हैं। हमारे यहां मत्स्य उद्योग हो, हमारे यहां पोल्ट्री फार्म्स हो, हमारे यहां पशुपालन हो, हमारे यहां एग्रीकल्चर हो, उसमें भी टिम्बर की खेती, पशुपालन के साथ साथ खेती के साथ साथ अगर खेत के किनारे पर टिम्बर की खेती करें तो देश आज जो टिम्बर इंपोर्ट करता है उससे बच जाएगा, और देश का किसान टिम्बर से इतनी सारी कमाई कर पाएगा कि उसको कभी परिवार में संकट का सामना करना नहीं पड़ेगा। 5-10 साल मेहनत करने की जरूरत है, अपने आप परिणाम आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। हम कुछ काम निर्धारित समय सीमा में करने के इरादे से करते हैं। मुझे खुशी है कि ग्रामीण जीवन के साथ एक गंदगी ग्रामीण जीवन का हिस्सा बन गई। लोग सहते रहे, उन्होंने यही मान लिया, हमारे नसीब में यही लिखा हुआ है। और धीरे धीरे जैसे जागरूकता आ गई, लोगों में बदलाव की शुरुआत हुई। ओपन डेफिकेशन फ्री, गांव की माताओं बहनों के सम्मान का एक अभियान चला, टॉयलेट बनाने का अभियान चला, समय सीमा में टॉयलेट बनाने का, शौचालय बनाने का काम चला। और आज धीरे धीरे स्थिति आई है, कल तक जिसे हम शौचालय कहते थे, आज हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने उसका नाम इज्जत घर कर दिया है, शौचालय पर लिखा है इज्जत घर। सचमुच में माताओं बहनों की इज्जत के लिए इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं हो सकता जो कि हम टॉयलेट बना करके देते हैं। हमारी माताओं बहनों को शौच के लिए खुले में जाना पड़े, सूरज ढलने तक का इंतजार करना पड़े, और सुबह सूरज उगने से पहले जाकर के आना पड़े, और दिन में कभी जाने की नौबत आई
उस मां बहन को कितनी पीड़ा होती होगी, ये जब तक उस संवेदना को हम अनुभव नहीं करेंगे तब तक ओपन डेफिकेशन फ्री का आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। और इसलिए जब भी शौचालय बनाने की बात आए, उन मां बहनों की इज्जत की तरफ देखें, उन मां बहनों की परेशानियों की तरफ देखिए, आपको भी लगेगा बाकी काम छोड़ करके पहले भारत सरकार की योजना से मैं शौचालय बनाऊं और शौचालय का उपयोग करने की आदत डालू। 2.5 लाख से अधिक गांव ओपन डेफिकेशन फ्री होने के लिए आगे आए, उन्होंने करके दिखाया। मैं इन गांवों को हृदय से बधाई देता हूं, उन्होंने मां बहनों की इज्जत के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। और मां बहनों की इज्जत करने वाला गांव मेरे लिए पुण्य गांव होता है, मैं उसको नमन करता हूं, उन गांववासियों को नमन करता हूं कि जिन्होंने इस महत्वपूर्ण काम को किया है। स्वच्छता आज गांव का स्वभाव बन रहा है, गांव भी जिम्मेवारी को लेने लगा है और उसमें भी एक बहुत बड़े बदलाव की दिशा में। हमारे कई गांव आजादी के 70 साल के बाद भी, 18,000 गांव ऐसे जो आज भी 18वीं शताब्दी में जीते हैं, न बिजली का खंभा है, न बिजली का लट्टू है, न गांव में कभी बिजली देखी है। हमने बीड़ा उठाया, लाल किले से कहा 1000 दिन में 18,000 गांव में बिजली पहुंचाएंगे। और मुझे खुशी है कि राज्य सरकारों ने भी उसमें हाथ बटाया, भारत सरकार ने भी उसमें तेजी लाई और आज बहुत तेजी से 18,000 गांवों के उस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। करीब करीब 15,000 गांवों में बिजली पहुंच गई। अब गांवों में बिजली पहुंच गई तो हम वहां अटकने वाले नहीं हैं। अब हमारा सपना है गांव हो या शहर, घर हो या झोपड़ी, हरेक के घर में बिजली का लट्टू होना चाहिए, 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। बड़ा बयान उठाया है और इसलिए गरीब परिवारों को घर में कनेक्शन देने के लिए पहले पैसे देने पड़ते थे, हमने तय किया है मुफ्त में कनेक्शन देंगे, बिजली पहुंचाएंगे। और मुझे विश्वास है एक बार बिजली आई तो घर के जीवन में भी बदलाव आएगा, बच्चों को शिक्षा के लिए सुविधा बढ़ेगी, घर का जीवन बदलेगा। 24 घंटे बिजली देने का निर्धारित लक्ष्य के साथ काम करने की दिशा में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान के ग्रामीण जीवन को बदलने के लिए हमारे जो ग्रामीण लोग उत्पादन करते हैं उसको शहर में एक फैशन स्टेटमेंट के रूप में हमें पल्लवित पुष्पित करने की जरूरत है। सामान्य व्यक्ति ने अपने हाथ से बनाई हुई चीजें अगर बड़े बड़े घरों में भी थोड़ा सा भी उसका उपयोग शुरू हो जाए, ग्रामीण इकोनॉमी को बड़ी ताकत मिल जाएगी। अगर दिवाली के दिए गांव के मेरे कुम्हार के बनाए हुए अगर हम खरीदेंगे तो उस मेरे कुम्हार के घर में दिवाली का दिया अपने आप जलने लग जाएगा और ये हमारे लिए मुश्किल काम नहीं है। हम शहर में रहने वाले लोग हमारी पूरे जीवन की आवश्यकताओं को ग्रामीण अर्थकारण के दृष्टिकोण से अगर आगे बढ़ाएंगे तो नयापन भी महसूस होगा, एक जीवन में संतोष का भाव भी आएगा। और इसलिए शहर गांव के लिए एक मार्केट प्लेस बनना चाहिए। सिर्फ गांव से आने वाला अनाज शहर के लिए मार्केट प्लेस बने ऐसा नहीं, लेकिन शहर में उत्पादित हो, गांव में उत्पादित होने वाली हर चीज शहर के लिए मार्केट प्लेस के रूप में डेवलप होती है। तो कभी भी मेरे देश में गांव गरीब नहीं रह सकता है, गांव में कोई परिवार गरीब नहीं रह सकता है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय का सपना देखा था उस सपने को हम पूरा कर सकते हैं। आज नानाजी देशमुख की जन्म शताब्दी निमित्त भारत सरकार की तरफ से एक पोस्टल स्टैंप का भी लोकार्पण हुआ है। मुझे विश्वास है जब भी ये डाक इस पोस्टल स्टैंप के साथ
लोगों के यहां पहुंचेगी, नाना जी के प्रति एक स्वाभाविक उत्सुकता जगेगी। कैसे कैसे महापुरुष सिर्फ देश के लिए जीना, यही जिनका मकसद रहा, गांव के जीवन में बदलाव लाना, इसी के लिए खुद जाकर के प्रयोग करना। और देश के सभी राष्ट्रपति, नाना जी ने जब से गांव का शुरू किया उसके बाद जो भी राष्ट्रपति आए वो हमेशा नाना जी के इस काम से जुड़े रहे, नाना जी के काम को सराहते रहे, नाना जी के प्रोजेक्ट देखने के लिए खुद जाया करते थे। और ये काम नाना जी के कौशल्य की विशेषता थी। आज नाना जी की जन्मशती के निमित्त हिंदुस्तान भर के ग्रामीण जीवन के लोग आए हैं, भारत सरकार के सभी संबंधित विभाग जुड़े हैं और ग्रामीण जीवन में बदलाव लाने का एक संकल्प लेकर के हम चले हैं। मुझे विश्वास है कि 2022 आजादी के 75 साल हर गांव वो भी एक संकल्प करे, हर गांववासी वो भी एक संकल्प करे कि 2022 तक मैं मेरे गांव को ये दूंगा और मेरा गांव, हम मिलकर के हम देश को ये देंगे। अगर इस संकल्प लेकर के चलेंगे, मुझे विश्वास है हम ग्रामोदय के जिस सपनों को लेकर के चले हैं उसको पूरा करने में सफल होंगे। मैं फिर एक बार आपसे आग्रह करूंगा, यहां जो प्रदर्शनी लगी है, मैं अभी देखने गया था, जो आए हैं उनको भी कहने के लिए उनके पास बहुत सारी बातें हैं। सफलता के साथ किए हुए अनुभवों का वहां निचोड़ है। मैं भी मन करता था, बार बार ठहर जाता था, देखने की समझने की कोशिश करता था। मन को आनंद होता था कि गांव गांव कैसे कैसे प्रयोग हो रहे हैं, हर राज्यों में कैसे कैसे नए नए प्रकार के इनिशिएटिव लिए गए हैं, गांव में भी टेक्नोलॉजी ने कैसी अपनी जगह बनाई है। ये सारी चीजें मैं देख करके मन को बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरा आपसे आग्रह है, आप कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, कितनी ही जल्दी जाने की क्यों ना हो, इस प्रदर्शन की हर चीज को बारीकाई से देखिए। आपके गांव में उसमें से क्या लागू हो सकता है उसका जरा कागज पे लिख के रखिए, किसका संपर्क करना वो भी नोट कर लीजिए, और उसमें से कौन सी चीजें आपके गांव के लिए अनुकूल है उसको आप अपने गांव में जाकर के कैसे लागू कर सकते हैं। आखिरकार जब कोई चीज को देखते हैं तो उसकी ताकत का परिचय ज्यादा होता है, और इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आप सभी से 2-4 घंटे भी इस प्रदर्शनी में जरूर लगाइए, हर चीज को देखिए और अच्छी चीजों को अपने गांव में लेकर के जाइए। मैं फिर एक बार नाना जी को प्रणाम करता हूं, बाबू जयप्रकाश जी को नमन करता हूं और सभी गांव से आए हुए मेरे जागरूक नागरिक भाइयों बहनों को प्रणाम करता हूं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।